नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ सहारनपुर से। एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिंसा से पहले भड़काऊ पोस्टर छपवाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टर छपवाने वाले आरोपी का नाम सलमान है और आरोपी सलमान पर इल्जाम है कि इसने सहारनपुर की एक प्रिंटिंग प्रेस से करीब 50 पर्चे छपवाए। सलमान ने ये पर्चे हिंसा से पहले छपवाए थे और उनको छपाकर उसने अलग अलग इलाकों में इसको चिपकाया, कहीं पर दीवारों में चिपकाया, कुछ जगहों पे सड़कों पे उसने चिपकाए। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो सलमान है जिसके हाथ में आप वो पोस्टर देख सकते हैं और इसने किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया, अब इस वीडियो में देखिए। इस वीडियो में सलमान आपको चलता हुआ नजर आ रहा है, इसके हाथ में दो पोस्टर है। ये सड़क के बीच पहुंचेगा, उसके बाद इस पोस्टर को लगाएगा, जिसके बाद इसके ऊपर वो पैर से इसे रौंदेगा। और ये आपको बता दें कि कई इलाकों में इस तरह के पोस्टर देखने को मिले थे जिसमें नुपुर शर्मा की तस्वीर थी और इसके ऊपर चिपकाने के बाद पैर से उसे रौंदा जा रहा था। उसके बाद देखिए एक एक करके जो उसके साथी है वो भी वहां पहुंचते हैं और उस पोस्टर पर पांव रख के उसे रौंद के आगे निकलते हैं। तो ये सलमान जिसको अब पुलिस ने अपने शिकंजे में ले लिया है, ये पोस्टर लगाता हुआ नजर आया था, पोस्टर इसके हाथों में आपको नजर आ रहे होंगे। दरअसल जुमे के दिन सहारनपुर में भी हिंसा भड़की थी और अब एक एक करके उन तमाम आरोपियों को पुलिस अपने शिकंजे में ले रही है जिन पर आरोप है कि उन्होंने दंगा भड़काया है। ये देखिए किस तरीके से हाथ में पोस्टर लेकर वो चलता है, फिर सड़क पर रखकर पैर से उसे घिसता हुआ नजर आता है और फिर उसके बाद उसके साथी भी आकर कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आते हैं। तो इन तस्वीरों को देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि सहारनपुर में जो हुआ वो सुनियोजित साजिश के तहत हुआ था। बाकायदा लोगों को पहले बुलाया गया, भड़काया गया और फिर उसके बाद सहारनपुर के माहौल को खराब किया जा रहा था। और कोशिश यहाँ पर एक ही थी कि किस तरह से लोगों को भड़काया जाए। पोस्टर के जरिए लोगों को भड़काया जा रहा था, पहले एक व्यक्ति, फिर दो, फिर तीन, ऐसा करते करते सैकड़ों लोगों को भड़काया गया और उसी का नतीजा था जो एक और वीडियो आपको दिखा रहे थे। 10 तारीख का ये वीडियो है। 10 तारीख यानी कि जिस दिन जुमे का दिन था, नमाज पढ़ने के बाद जिस तरह से वहाँ पर उपद्रवियों ने आतंक मचाया, हिंसा की, उसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को भड़काया गया। और देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर, दूसरा जो किरदार है सहारनपुर हिंसा पर हिंसा का, उसका भी नया खुलासा इंडिया टीवी पर। आपको बता दें बच्चों को भड़काते हुए आरोपी मुजम्मिल का वीडियो अब सामने आ गया है। इसी के बाद हिंसा भड़की है, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। जब जब मुसलमान उठा है कहर लेकर उठा है और इंशाल्लाह इस बार भी उठेगा। तुम्हें कर दिया ना, ध्यान रखो, मुझसे इतिहास गवाह है। जब जब मुसलमान उठा है कहर लेकर उठा है और इंशाल्लाह इस बार भी उठेगा। तुम्हें कर दिया ना, ध्यान रखो, मुझसे इतिहास गवाह। तो आप यहाँ पर मुजम्मिल को देख रहे हैं, मुजम्मिल जिस तरह से भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है, जिस तरह से अपने आसपास लोगों को भड़का रहा है और जिस तरह से किसी को धमकी देता हुआ नजर आया, जिसमें वो जो बातें कह रहा है, इन बातों की ही वजह से लोगों के अंदर लोग गुमराह हो जाते हैं, गुस्सा पैदा होता है, भटकते हैं, उसके बाद वो जो हरकत करते हैं। वो तस्वीरों में नजर आई थी किस तरह से उपद्रव मचाया गया, आतंक मचाया गया, लेकिन जो भड़काने वाला है उसके चक्कर में कितने सैकड़ों लोग फंसे हैं जो अब जेल की हवा खा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं और कुछ इसी तरीके से बयानबाजी की जाती है जिसके जरिए लोगों को भड़काया जाता है, उनके हाथ में पत्थर थमा दिए जाते हैं और फिर हिंसा देखने को मिलती है सड़कों पर। और सहारनपुर हिंसा में आज की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, पुलिस ने हिंसा को लेकर भड़काऊ पोस्टर जारी करने वाले सलमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बच्चों को हिंसा में शामिल करने के मामले में आरोपी मुजम्मिल भी गिरफ्तार हो चुका है। सहारनपुर हिंसा मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ राजेश कुमार हैं जो कि एसपी सिटी हैं सहारनपुर के। राजेश जी, सलमान और मुजम्मिल दो आरोपियों को आपने गिरफ्तार किया है, इनका रोल क्या है? अभी सलमान की गिरफ्तारी कल हुई है और एक हमें वीडियो फुटेज भी मिला था और उसमें ये जगह जगह पोस्टर चिपका रहा है, सड़कों पे पोस्टर चिपका रहा है और पोस्टर को अपने पैरों से रौंद रहा है और आने जाने वाले को भी उस पोस्टर को रौंदने के लिए कह रहा है। उसमें एक पोस्टर था जिसमें वो नुपुर शर्मा वाला मामला था, वो छपा हुआ था, तो उसको हमने उस वीडियो के आधार पे अरेस्ट किया है, उसको जेल भेज रहे हैं। इसके अलावा एक मुजम्मिल था, मुजम्मिल का एक वीडियो भड़काऊ भाषण देते हुए लोगों को उकसाते हुए आया है, उसको भी हमने अरेस्ट किया है
और मुजम्मिल के खिलाफ और भी कार्रवाई हमने किया और विभागों से उसको नोटिस दी गई थी। उसका एक अवैध उसके एक रिश्तेदार जहाँ पे वो रहता था मकान था उसको भी बुलडोज करने की कार्रवाई की गई है। हम लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो बहुत वहाँ पर एक्टिव थे और जो मजमा चल रहा था उसमें शरारत कर रहे थे उन्हीं पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम किसी निर्दोष पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और लगातार हमारी कार्रवाई चलती रहेगी। सलमान की का क्या रोल था? पोस्टर में क्या कुछ आपत्तिजनक कंटेंट था? क्या था? कहाँ से छपवाए थे? सहारनपुर से या उसके बाहर से? सलमान का जो हमने आपको बताया एक पोस्टर था जिसमें नुपुर शर्मा की फ़ोटो थी और उसको वो चिपका रहा था जगह जगह, इसको फांसी दो, इसको जेल भेजो, इसी तरह की बातें उसमें लिखी थी। सड़क पे भी चिपका रहा था ताकि आने जाने वालों के पैर के नीचे आए और यहीं पे छपवाया था, लोकली छपवाया था। उसको भी हमने पता कर लिया है और जल्दी हम उस पर भी और पूछताछ करके आगे बढ़ेंगे। सर, मुजम्मिल का क्या रोल है, इसका प्रोफाइल क्या है और इसकी भूमिका क्या है पूरे हिंसा? मुजम्मिल का जैसा मैं बताया अभी नया लड़का है, 18-19 साल की उम्र का होगा। वो एक लड़कों के ग्रुप को जो भी सब 17-18-19 साल के होंगे उनको, नाबालिग भी थे, कुछ नाबालिग भी रहे होंगे, उनको उकसा रहा है, उनको प्रोटेस्ट करने के लिए कह रहा है कि इसमें हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। इन बातों को लेकर वो उनको सबको उकसा रहा है, सबको प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए कह रहा है। इस आधार पर उसको हम चिन्हित करते हुए इस पर हमने कार्रवाई सुनिश्चित किया। ये बच्चों को यही लेके आया था और कहाँ से लेकर आया था अगर ये अपने साथ लाया था? ये मंडी क्षेत्र में एक गोल कोठी है जहाँ मदरसा है, वहीं पे इकट्ठे होके जहाँ पे इसके ये भाषण वाला वीडियो हुआ है वहीं से ये सबको लेके इधर आया था प्रोटेस्ट। खुद लेके आया था जामा में? हाँ, खुद सबके साथ आया था ये। सर, इसके अलावा और क्या कुछ कार्रवाई सहारनपुर पुलिस कर रही है? इसके अलावा एक तो इन पे हम राष्ट्रीय सुरक्षा नियम के तहत भी कार्रवाई करेंगे, जो सलमान और मुजम्मिल, हाँ यस, जो भी मुख्य इसमें जिनका रोल रहा है भीड़ जुटाने में और सड़क पे इस तरह से दहशत फैलाते हुए ले जाने में, और लगातार हमारा जो भी जितने भी हमें सीसी फुटेज और फोटो मिले हैं हमारे पास है, पुलिस के पास भी है, उन सब पे हम इनकी पहचान अभी तो कर रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें किसी निर्दोष का कोई जेल भेजा जाए, कोई उत्पीड़न न हो। और हम इसमें करीब 200-300 लोग जो भी इसमें रहे हैं अज्ञात, सबको चिन्हित करते हुए कार्रवाई करेंगे। सलमान और मुजम्मिल पर भी NSA लगाया जा रहा है? NSA बाद में लगता है, NSA तो डिटेंशन की कार्रवाई होती है। अभी चूंकि हमारा पहला काम है कि जितने भी शरारती तत्व उसमें शामिल रहे हैं उनको पहचान करते हैं, उनको जेल भेजें, फिर आगे की और जो प्रिवेंटिव कार्रवाई उसको सुनिश्चित करेंगे। एक सोशल मीडिया पर भी लगातार चल रहा है नीली टोपी कुर्ता वाले लोग जो है शामिल थे, ये क्या मामला है सर? ये बिल्कुल मैं बताऊँ, मेरे अब तक की हम जाँच और विवेचना में इस तरह कोई बात नहीं आई है। नीली टोपी, लाल कपड़ा या काला कपड़ा पहन के प्रोटेस्ट में शामिल हुए, इस तरह की अभी तक कोई बात हमें नहीं मिली। यानी पर्टिकुलर रंग के कपड़े वाला मामला, ऐसा कोई मामला नहीं आया। ये सब खबरें गलत चल रही है। बिल्कुल, ये बात करने के लिए तो ये SP City हैं राजेश कुमार, जो बता रहे थे मुजम्मिल और सलमान पर कार्रवाई को लेकर। फिलहाल लगातार जो सहारनपुर पुलिस है बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए भी कार्रवाई कर रही है। तो कुमार सोनू की आपने रिपोर्ट देखी, हमारे साथ लाइव वो जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, फिलहाल सहारनपुर के हालात कैसे हैं? पूरी तरीके से शांति व्यवस्था वहां पर कायम है और कितने लोगों पर अभी तक कार्रवाई हो चुकी है पुलिस की? देखिए, लगातार सहारनपुर पुलिस की पहली कोशिश यही है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे। फिलहाल दो लोगों को जो गिरफ्तार किया है, सलमान और मुजम्मिल, इनकी भूमिका को लेकर जो है लगातार पुलिस पूरी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि मुजम्मिल पर आरोप है कि वो मदरसे के बच्चों को भड़का कर उकसा कर उन्हें जो है जामा मस्जिद पर लेके आया, जिसके बाद वहां पर भी उसने भड़काऊ बातें कहीं। इसके अलावा जो सलमान है उसका वीडियो हमारे दर्शकों ने भी देखा कि सलमान जो है सहारनपुर का रहने वाला है, उसके हाथों में पोस्टर है और वो भड़काऊ पोस्टर है, नुपुर शर्मा को लेकर उसने पोस्टर छपवाए थे, तकरीबन 50 के करीब वो पोस्टर छपवाए गए थे सहारनपुर की एक प्रिंटिंग प्रेस से और उसके बाद उन्हें चिपकाया गया था। इन्हीं मामलों में जो है दोनों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल लगातार पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस वक्त सहारनपुर पुलिस के पास तकरीबन 1500 के करीब जो है वो CCTV फुटेज और वीडियो, जो मोबाइल के वीडियो हैं वो हैं, उनके आधार पर दूसरे आरोपियों की पहचान की जा रही है। तकरीबन 200 से ज्यादा के करीब ये आरोपी हैं जो अज्ञात हैं, उनकी पहचान कर उनकी धरपकड़ लगातार की जा रही है। प्राची जी, तो सोनू, जैसा कि आपने सारे अपडेट दे दिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पुलिस अब एक्शन में है। मुजम्मिल गिरफ्तार हो चुका है, सलमान गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन बाकियों का क्या होगा? पुलिस एक एक कर चुन चुन कर सबका इंसाफ कर रही है, यानी कि जो फाइनल और कंक्लूजन है वो योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद किया जा रहा है।
वहीं प्रयागराज में जुमे के दिन दंगा भड़काने के मामले में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में है। दंगे का मास्टरमाइंड शिकंजे में है और अब उसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। और गिरफ्तार जावेद मोहम्मद के घर को गिराने की तैयारियां की जा चुकी हैं। ये घर बिना नक्शे के पास कराया गया था और पहले से ही विकास प्राधिकरण ने नोटिस भी दिया था कि इसे गिराया जाएगा, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया था उस जावेद की ओर से। और यही वजह है कि अब बुलडोजर तैयार है, पुलिस तैयार है, किसी भी वक्त प्रशासन का यह बुलडोजर पहुंचेगा जावेद के घर के बाहर और उसे ध्वस्त किया जाएगा। 11 बजे तक घर को खाली करने के लिए नोटिस लगा था। ऐसे में प्रयागराज के करौली थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच चुकी है। महिला पुलिस का दस्ता भी साथ में मौजूद है और अब कभी भी प्राधिकरण नोटिस के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर सकता है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर पूरी तरीके से तैयार है कार्रवाई करने के लिए। दंगे के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस अब उसके घर पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी। पुलिस ने पत्नी और बेटी को भी हिरासत में ले लिया है और दंगे को लेकर रची गई साजिश के तार को खंगाला जा रहा है। और पूछताछ के आधार पर दंगे से जुड़े लिंक और गिरफ्तारी बाकी आरोपियों की भी की जा रही है, सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि प्रयागराज में सबसे बड़ी खबर यह है कि जो गुनहगार है हिंसा का, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलने के लिए तैयार है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी वक्त ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। इस वक्त हम अटाला इलाके के मेन रोड पर हैं, यहीं से आगे जाकर मुख्य आरोपी जावेद का घर है और यहां प्रयागराज नगर निगम का ये बड़ा ट्रक पहुंचा है। प्रयागराज नगर निगम के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और साथ में आप देखेंगे तो एक नगर निगम प्रयागराज की बड़ी जेसीबी है। कहां ले जाने के लिए कहा गया? करैली साहब, करैली, करैली, करैली। क्या कहा गया है? अरे वो गिराना है ना मकान जो अद्धा चला रहे हैं पथरा। अच्छा, हाँ उसी के लिए। उसी के लिए है। तो गली 20 फुट चौड़ी है, उसको देख रहे हैं कि कैसे इतना बड़ा बुलडोजर जाएगा। छोटा बुलडोजर फिलहाल अगुवाई करते वक्त आगे बढ़ रहा है। वहीं इस बड़े ट्रक पर एक बड़ी जेसीबी यहां लाई गई है और नगर निगम प्रयागराज स्पष्ट तौर पर ऊपर लिखा गया है। ड्राइवर बता रहे हैं कि करेली में ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हो रही है उसके लिए ये बुलडोजर लाए गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि गली 20 फीट चौड़ी है, बुलडोजर काफी बड़ा है, इसलिए छोटा बुलडोजर आगे बढ़ रहा है और बाकी ये सब नगर निगम प्रयागराज के कर्मचारी और बुलडोजर यहाँ मौके पर पहुंच चुका है। यानी अब किसी भी वक्त जावेद मोहम्मद के घर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो सकती है। कैमरामैन राजेश्वर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। तो तैयारियां हो चुकी हैं। एक तरफ तस्वीर है 10 तारीख की, जुमे के दिन किस तरह से उपद्रवियों ने उत्पात मचाया था प्रयागराज में, लेकिन इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है जिसकी तस्वीर और घर को आप देख रहे हैं, मोहम्मद जावेद है, जावेद पंप भी जिसको कहा जाता है, उसके घर पर किसी वक्त अब ये बुलडोजर पहुंचेगा, उसे ध्वस्त किया जाएगा। और जावेद के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मौके से देखिए गोनिका अरोड़ा की रिपोर्ट। प्रयागराज में इस शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू होने वाली है। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर के बाहर नोटिस चिपकाया गया है। उस नोटिस में साफ तौर पर लिखा है कि 11 बजे तक, यानी कि आज 11 बजे तक घर को खाली कर दिया जाए और उसके बाद जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। दरअसल जावेद मोहम्मद वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश महासचिव हैं और इन पर आरोप है कि इन्होंने ही भीड़ को उकसाया, भीड़ को इकट्ठा किया और पूरी घटना के पीछे यही साजिश करता है, जिसके बाद पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी तो कर ली है लेकिन अब जो आगे की कार्रवाई है वो पीडीए द्वारा की जा रही है। पीडीए द्वारा कल एक नोटिस चिपकाया गया जिस नोटिस में कहा गया कि पहले भी कि दरअसल ये जो घर बनाया गया है इस घर को नक्शा पास करके नहीं बनवाया गया और इस घर के जो साइज है वो 25x60 फीट का है। इसके अलावा एक तारीख इनको पहले 10 तारीख को नोटिस दिया गया था, 10 मई को, जिसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। उसके बाद 24 मई को इनको जवाब देना था लेकिन वो नहीं दिया। उसके बाद अब आज यानी कि 12 जून को 11 बजे तक इनको घर खाली करने को कहा है और कहा गया है कि इसके बाद जो भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो पूरी की जा सकेगी और उसके लिए अब पुलिस यहां पर तैनात होनी शुरू हो गई है। यहां पर करेली थाने की पुलिस पहुंची है, पुलिस की 3 गाड़ियां मौके पर है, सीओ पहुंचे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो पाए इसके लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती यहां पर लगातार अब की जा रही है। करेली थाने की पुलिस यहां पर पहुंची है, कुछ देर में और फोर्स भी यहां पर पहुंचेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।